देवास नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं लगातार चल रही मुहिम में आज निगम प्रशासन द्वारा मीठा तालाब के करीब कट रही अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही की गई। निगम अधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वे नंबर 556 557/1 पर इंदौर के रहने वाले कॉलोनी नाइजर द्वारा PSP की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। कॉलोनी नाइजर द्वारा अवैध प्लाटिंग कर प्लॉट भी बेचे जा रहे थे। ना ही कॉलोनी नाइजर द्वारा नगर निगम से कॉलोनी काटने की परमिशन दी गई थी। मौके से कॉलोनी निर्माण में उपयुक्त समस्त सामग्री जब्त की गई है। निगम प्रशासन द्वारा पंचनामा बनाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्ट अधिनियम के तहत कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज की जाएगी। मीठा तालाब के नज़दीक में सर्वे नंबर 556/557/1 पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या नगर निगम की विदाउट परमिशन कॉलोनी का विक्रय कर रहे हैं, कॉलोनी को काट करके प्लाटों का। इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त हुई तो आज मेरे द्वारा मौके पर आकर के स्थल पे पंचनामा बनाया गया। संबंधित व्यक्ति के जानकारी प्राप्त की गई कि व्यक्ति कौन है, उससे प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा कि किसी तरीके से उसका पता मुझे लग जाए। मालूम पड़ा है कि जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ वो मुझे ये मालूम पड़ा है कि कॉलोनाइजर इंदौर का मूसा खेड़ी का मकान नंबर 846 का रहने वाला है। उसका मोबाइल नंबर मुझे प्राप्त होते ही उसके खिलाफ मंडे के दिन ऑफिस का ओपनिंग होते ही 10:30 पे FIR की कार्रवाई प्रस्तावित है। क्या नाम नेता भी जुड़ा, उसका क्या नाम सर बता पाएंगे? एक्चुअली वो लेबर क्लास का व्यक्ति है, उसको जानकारी उसने किसी प्रमोद सुमन के नाम की दी थी। उसके नंबर से मुझे, प्रमोद सुमन के नंबर से ही मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई मोहन जायसवाल करके इंदौर के रहने वाले हैं, ऑनर इस ज़मीन के मालिक हैं। एक्चुअली ये जो लैंड है शायद मेरे ख्याल से खसरे खाते की अभी अथेंटिक रूप से पक्की नहीं है, लेकिन ये शायद PSP की जगह है और इस PSP की जगह में आवैधानिक रूप से प्लाटों के छोटे छोटे टुकड़े करके विक्रय किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है करोड़ों का यहाँ पे इन्हें सौदागरी करी है। हाँ, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों अथेंटिक रूप से मेरे पास जानकारी जो है वो केवल वर्बली और मौखिक है। अब इस संबंध में मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करूंगा, 4-6 रजिस्ट्रियां प्राप्त करने के बाद ही फिर मैं बता पाऊंगा कि ये इस पे क्या कार्रवाई हमको आगामी करनी है। आप वो करेंगे। देवास से BHO अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।